Good morning, guys. Hope you are doing well. So again, I am here to share something जो बहुत important है. So guys, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा fund allocation के बारे में कि Intellisys Investment and Trading जो कि अमित जैन की company है, वो fund allocate कैसे करते हैं अपनी performance sheet में. तो guys, मैं एक शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा, आप आखिरी तक बने रहिएगा, शायद आपको पूरी चीज क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी कि परफॉर्मेंस शीट जब आप देखते हैं तो आपको क्लियर हुआ कि हम लोग किस किस चीज की एंट्री लेते हैं गाइस. तो अगर मैं बात करूं जुलाई के लिए हम लोगों ने जो फंड एलोकेट जो प्लानिंग करी है वो एनएससी इक्विटी के शेयर्स जो होते हैं वो हम लोग 4,25,000 के हिसाब से 4 कॉल्स अमित जी देते हैं, उसमें से कभी एक कॉल एक्टिवेट होता है, कभी दो कॉल एक्टिवेट होता है, कभी तीन कॉल एक्टिवेट होते हैं, कभी चार भी कॉल एक्टिवेट हो जाते हैं. तो हमने जो फंड एलोकेट किया हुआ है इक्विटी शेयर्स के लिए, सेल कॉल अगर होता है तो बाय डिफॉल्ट इंट्राडे 3:15 के पहले उसको काटना होता है, अगर बाय कॉल है तो आप उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हैं. तो 4 शेयर्स की एंट्री हम लोग देते हैं, 4 शेयर्स के कॉल देते हैं, उसमें से 1, 2, 3, 4 कितने भी कॉल एक्टिवेट हो सकते हैं. उसका जो मार्जिन यूज करने का जो प्लानिंग इंटेलिजेंस ने किया अपनी परफॉर्मेंस शीट में बड़ा बड़ा के, वो 4,25,000 रुपए किया है गाइस. एनएससी एफएनडो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक लॉट की एंट्री लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन की, जो 1200 वाली चाल होती है गाइस, वो कभी कभी एक आध हफ्ते में 1-2 कॉल आ जाते हैं इंटेलिजेंस के माध्यम से. स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन बाय 2 लॉट ईच कॉल, So, जो एंट्री लेते हैं हम लोग 2 लॉट की एंट्री लेते हैं. स्टॉक ऑप्शन सेल राइटिंग, इसकी जो एंट्री इंटेलिजेंस लेता है वो 1 लॉट की एंट्री लेता है गाइस. करेंसी में जो अमित जी काम कराते हैं, अगेन हुई सेबी रजिस्टर्ड, करेंसी में 20 लॉट की एंट्री ली जाती है. 4 करेंसी में इंटेलिजेंस काम कराता है, उसमें से 1-2 कॉल एक्टिवेट हो जाते हैं. और अगर मैं इसके मार्जिन मनी के बारे में बात करूं गाइस, तो 1 लॉट का ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपए लगता है. अगर मैं 20 लॉट की बात करूं तो इंटेलिसिस के कॉल को अगर एग्जीक्यूट करना है और अगर 20 लॉट में ट्रेड करना है तो 60,000 रुपए का मार्जिन लगता है करेंसी की ट्रेडिंग करने के लिए. इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडेक्स में, निफ्टी में 3 लॉट की एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, बैंक निफ्टी में 2 लॉट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. और इंडेक्स में अगर आप लोगों को काम करना है तो ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपए का मार्जिन लगता है गाइस इंडेक्स के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी 1,80,000 का मार्जिन लगता है. तो अगर आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काम करना है तो आपके पोर्टफोलियो में, आपके अकाउंट में ऑन एन एवरेज 3.5 लाख रुपए होना बहुत जरूरी है गाइस, है ना. और हमारा एक ही मंत्र है गाइस, कंपाउंडिंग ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेटेड सिंस वी हैव डबल द कैपिटल नाउ. सो अमित जी ने जब स्टार्ट किया था पहले कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया था MCX में, वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, उस समय मार्जिन मनी बहुत कम था गाइस. आज हर चीज का मार्जिन मनी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सेबी और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रही है. मुझे नहीं पता आज जो इंट्राडे कॉल के लिए जो मार्जिन मनी कम लगता है, शायद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि MIS पोजिशन का जो पोजिशनल कॉल के जो मार्जिन मनी लगता है उसी में कॉल एग्जीक्यूट उसी रेट पे उसी मार्जिन मनी में यूज हो पाएंगे गाइस. M6 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटेलिसिस क्रूड ऑयल की 4 लॉट की एंट्री लेता है, नेचुरल गैस के 5 लॉट की एंट्री लेते हैं, गोल्ड मिनी में 4 लॉट की एंट्री लेते हैं, कॉपर में 2 लॉट की एंट्री लेते हैं, सिल्वर मिनी में अगेन 4 लॉट की एंट्री लेते हैं, और निकल में इंटेलिसिस 1 लॉट की एंट्री अपने परफॉर्मेंस शीट में लेते हैं गाइस. और अगर मैं मार्जिन मनी, कुछ लोगों का इशू होता है कि सर मुझे मार्जिन मनी समझ में नहीं आता कि MCX में काम करने के लिए कितना मार्जिन मनी लगता है. सो गाइस ये आपके ऊपर है कि आप 1 लॉट में काम करते हैं कि 2 लॉट में काम करते हैं कि 4 लॉट में काम करते हैं कि 10 लॉट में काम करते हैं. अभी मैं आपको 1-1 लॉट का बताऊंगा. क्रूड ऑयल में अगर आपको काम करना है तो इंट्राडे 1,05,000 रुपए चाहिए, पोजिशनल कॉल अगर आपको बनानी है तो उसी चीज के लिए क्रूड ऑयल में 1,40,000 रुपए का मार्जिन चाहिए आपके अकाउंट में गाइस. अगर आपको नेचुरल गैस में काम करना है, इंट्राडे करना है, तो 36,000 रुपए का मार्जिन मनी चाहिए. और अगर यही आपको पोजिशनल कॉल बनाना है तो आपको 45,000 रुपीज का मार्जिन मनी आपके अकाउंट में NGE में काम करने के लिए चाहिए गाइस.
गोल्ड मिनी एक लॉट में काम करने के लिए 34,000 रुपए चाहिए, यही अगर पोजिशनल कॉल बनाना है तो 44,000 का मार्जिन मनी आपके अकाउंट में होना बहुत जरूरी है गाइस। सिल्वर मिनी अगेन इंट्राडे कॉल 40,000, इसी को पोजिशनल कॉल बनाना है आपको तो 50,000 रुपए एक लॉट की बाइंग या सेलिंग के लिए आपको चाहिए गाइस। कॉपर एक लॉट को इंट्राडे में काम करने के लिए 1,30,000 रुपए चाहिए, अगर इसी को आपको पोजिशनल कॉल अगर आपको बनाना है तो आपको 1,70,000 रुपए आपके अकाउंट में मिनिमम होना जरूरी है कॉपर को ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए गाइस। निकल एक लॉट में काम करने के लिए 1,80,000 रुपए चाहिए, अगर आपको पोजिशनल कॉल MIS पोजिशन अगर आपको बनाना है तो 2,35,000 रुपए आपके अकाउंट में होना बहुत जरूरी है गाइस। तो अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो परफॉर्मेंस शीट में हम लोग जो एलोकेट किए हैं जुलाई के लिए है ना, NSECS के 4 शेयर्स, F&O की 1 लॉट की एंट्री लेते हैं, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन की 2 लॉट की एंट्री लेते हैं, स्टॉक ऑप्शन सेल राइटिंग की 1 लॉट की एंट्री लेते हैं, करेंसी में 20 लॉट की एंट्री लेते हैं, इंडेक्स में निफ्टी में 3 लॉट की एंट्री लेते हैं, बैंक निफ्टी में 2 लॉट की एंट्री लेते हैं, और MCX में अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में 4, नेचुरल गैस में 5, गोल्ड मिनी में 4, सिल्वर मिनी में 4, कॉपर में 2 और निकल में 1 लॉट की एंट्री परफॉर्मेंस शीट में लेते हैं, है ना। सो आई एम श्योर आपको लर्निंग मिली होगी, एंड अगेन थैंक यू सो मच टू अवर फाउंडर अमित सर हु इज हेल्पिंग अस, हु इज कमिंग एवरी सिंगल डे एंड मेक हेल्पिंग अस टू मेक मनी गाइस। तो आई एम श्योर जो लोग यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे, जो भी उनके मैजिकल फिगर को फॉलो कर रहे होंगे, जो भी उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहे होंगे, वो पैसा बना रहे होंगे, और अगर पैसा नहीं बना रहे होंगे तो एटलीस्ट कैपिटल को तोड़ नहीं रहे होंगे, है ना। सो गाइस ये मैंने आपको बताया फंड एलोकेशन, अभी आपको काफी बार हर हफ्ते जो वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है उसके भी वीडियो आपको जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड वीकेंड, थैंक यू सो मच।